गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं घर पे। हमारी जो है एक्सरसाइज चल रही थी, ठीक है। आज हम जो है वीडियो नंबर 5 करने वाले हैं। थर्ड क्लास के अंदर हमारा जो है एक्सरसाइज चल रही थी और हमने 6 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन। देखिए, आपको यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इन दोनों नंबर्स के अंदर आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो नंबर्स आएंगे, ठीक है, उनको लिखना है। जैसे कि अगर हमसे कहा जाए 2 और 7 के बीच में नंबर्स, तो 2 और 7 के बीच में क्या क्या आता है? 3, 4, 5 and 6 आता है। इसी तरीके से आपको बोला है दिस नंबर एंड दिस नंबर, इन दोनों के इन बिटवीन कौन से नंबर्स आते हैं, उनको आपको देखना है। देखिए, आप सबसे पहले इसमें ईजी गोइंग मैं आपको तरीका बता देती हूँ आपको क्या करना है। आप कंपेयर करें इसे, यहाँ से इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यानी सेम है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है। फिर 3 है, इसमें भी 3 है, दैट मीन्स आप इसमें भी क्रॉस लगा दीजिए। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, ये है 4 और ये 5। देखिए, 2 और 3 2 और 3 ये सेम चल रहे थे, अब आ गया आपका 4 और ये आ गया 5, तो अब ये सेम नहीं है। दैट मीन्स अब आप इन पीछे के डिजिट्स को ले लीजिए और हमें काउंटिंग कर देनी है बस इनकी, ठीक है। 46 और 51, अब आपको 46 और 51 के बीच के नंबर्स लिखने हैं। देखिए, 46 के बाद क्या आता है? 47 48 49 और 50। 51 से पहले तक 50 आ जाएगा, और ये जो शुरू के दो नंबर हैं इन्हें आप ऐसे ही लिख दीजिए 2 3 2 3 2 3 2 3, ठीक है, क्लियर। देखिए नेक्स्ट और देख लेते हैं, उससे और अच्छे से आपको समझ आएगा। देखिए, 4 4, इसका मतलब आपको क्रॉस कर देना है। 0 0, सेम टू सेम है, क्रॉस कर दीजिए। 8 8, सेम टू सेम है, क्रॉस कर दीजिए। यानी आपके पास सिर्फ लास्ट की डिजिट बची है 2 से लेके 7 तक, तो 2 के बाद क्या आता है? 3 4 5 and 6, और उसके आगे के आपके तीनों नंबर्स आप एज इट इज़ लिख दीजिए। 408 408 408 408, क्लियर है, इजी है। देखिए, इसी तरह से हमें करने हैं जब भी हमको बीच के नंबर्स के लिए बोला जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सेम 7th क्वेश्चन के जैसा है, तो 8th क्वेश्चन आपका एच डब्ल्यू है, इसे आप खुद करेंगे। आपको क्या करना है, 83 के बाद आने वाले 4 नंबर्स आपको लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। 83 के बाद 4 नंबर, जैसे एक मैं आपको करके बता देती हूँ। 83 के बाद क्या आता है? 84 85 86 और 87 यही आता है, और आगे आप 15 15 लिखते जाइए, ठीक है। इसी तरह से आपको 75 के आगे का लिखना है, तो नेक्स्ट 4 नंबर्स हमारे हो जाएंगे कि अगले 4 नंबर इसके आगे कौन से होंगे, ठीक है। अभी देखिए, 9th क्वेश्चन एक तरह से आफ्टर बिफोर जैसा है कि आपको कोई नंबर दिया है, तो इस नंबर से पहले वाला नंबर और इस नंबर के बाद वाला नंबर आपको लिखना है। देखिए, अगर हमें नहीं आ पाता है आगे वाला नंबर, आफ्टर बिफोर, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 900 में +1 कर दीजिए तो ये आ जाएगा, और -1 कर दीजिए तो ये आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, बिफोर लाने के लिए -1 कर दीजिए इसमें से, और आफ्टर लाने के लिए +1 कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 400 4501, और लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, 4499। इसी तरीके से आप भी करेंगे इन्हें, ठीक है, क्लियर आप सबको, आपको भी ये करना है। देखिए, ये तो 25 था, तो ये 24 और ये 26, ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगा ये। यहाँ पे +1 कर दीजिए तो 6 आ जाएगा, -1 कर दीजिए तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें अगर आप +1 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, -1 करेंगे तो यहाँ पे जो है आफ्टर बिफोर वाली जो डिजिट्स हैं इसी तरीके से निकाली जाती हैं। आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस जो हैं समझ में आए होंगे। आज हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करे, 7 8 एंड 9। तो 9 तक आप CW and HW कंप्लीट रखिए। 10th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे वीडियो नंबर 6 के अंदर, अगली क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें ही पढ़िए। थैंक यू।